उत्तर प्रदेश में 2024 के लोकसभा चुनाव को लेकर बीजेपी के सहयोगी दलों ने भी अपनी तैयारियां तेज कर दी हैं। एनडीए के घटक दल निषाद पार्टी ने शनिवार को राजधानी लखनऊ के दमाबाई अम्बेडकर रैली मैदान में अपना संकल्प दिवस मनाया। इस दौरान बड़ी संख्या में निषाद पार्टी के कार्यकर्ता और मछुआ समाज के लोग शामिल हुए। ऐसे में निषाद पार्टी के संकल्प दिवस को लोकसभा चुनाव से पहले शक्ति प्रदर्शन के तौर पर देखा जा रहा है। बता दें, निषाद पार्टी हर साल 13 जनवरी को अपना संकल्प दिवस मनाती है। इस बार पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष संजय निषाद ने संकल्प दिवस को राजधानी लखनऊ में मनाने का ऐलान किया था। वहीं निषाद पार्टी के संकल्प दिवस में केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव, बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र सिंह चौधरी, उत्तर प्रदेश के दोनों डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य, ब्रजेश पाठक, प्राविधिक शिक्षा मंत्री आशीष पटेल समेत बीजेपी और निषाद पार्टी के कई तमाम नेता मौजूद रहे। साथ ही इस कार्यक्रम में बड़ी संख्या में निषाद पार्टी के कार्यकर्ता और मछुआ समाज के लोग भी शामिल हुए। इस अवसर पर निषाद पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष संजय निषाद ने कहा कि आज से 10 साल पहले मछुआ समाज के उत्थान के लिए जो संकल्प लिया गया था, वो आज केंद्र की मोदी सरकार और प्रदेश की योगी सरकार पूरा कर रही है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और सीएम योगी ने मछुआ समाज के विकास को लेकर कई योजनाएं लाई। ऐसे में आज सभी मछुआ समाज ने 2024 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को एक बार फिर पीएम बनाने का संकल्प लिया है। इसके अलावा उन्होंने सीट शेयरिंग के सवाल पर जवाब देते हुए कहा कि हम बीजेपी को जीत देते हैं और वो हमें सीट देते हैं। सारे लोग संकल्प दिवस मना के आज के दिन में 10 साल पहले हमने संकल्प लिया था और संकल्प के साथ साथ हमने इस संकल्प को साकार होते दे रहे हैं और संकल्प पूरा होता दिख रहा है। जिस समुदाय का चिंता मोदी जी कर रहे थे, इस समुदाय की चिंता प्रधानमंत्री कर रहे थे। अभी इनकी आवाज़ उठाने के डंडे खाते थे, अब इनकी आवाज़ मोदी जी खुद बन गए हैं। इसीलिए संकल्प लेकर 2024 में मोदी को आना है, इनकी समस्याओं का समाधान। मोदी को जीत देते हैं, हमें सीट देते हैं और हमारी समस्याओं के समाधान की तरफ कदम बढ़ा रहे हैं। संजय जी, आज एक तीन पूछ रहा था कि संजय निषाद को, डॉक्टर संजय जी को सीएम बनाएंगे। यह हमारे लोगों की इच्छा है और भारतीय जनता पार्टी में कुछ भी संभव है। एक चाय वाले बेटे प्रधानमंत्री बनाते हैं या किसी को भी आदिवासी बुला के राष्ट्रपति बनाते हैं, तो निषाद के बेटे को भी कहाँ बनाएंगे। तो हमारे लोगों की इच्छा है और आने वाले चुनाव में कितनी सीटें लेने आएंगे।